नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि जो हम रत्न पहनते हैं, जो नगीने हैं, बर्थ जेमस्टोन्स हैं, भाग्य रत्न है, जीवन रत्न है, तो जब वो पहनने के बाद कितने समय के अंदर वो प्लेनेट की एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं और कितने टाइम के अंदर हमें उसका एहसास होना शुरू हो जाता है कि वाकई में ये रत्न उस एनर्जी के साथ जुड़ चुका है और ये कैसे काम करता है, ये बहुत जरूरी चीज है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूं कि जो हमारी गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, उसके अंदर 9 ग्रह जो अपना काम कर रहे हैं, 9 ग्रहों के अंदर बोला गया है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। मैं फिर से बता दूं, सन है, मून है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर है, मर्करी है, वीनस है, सैटर्न है, एंड राहु एंड केतु। ये ऐसे प्लैनेट्स हैं, ये एक बंदे को कैसे उस रत्न के साथ जोड़ते हैं, या वो रत्न की एनर्जी कैसे बॉडी के अंदर जाती है। आज का जो हमारा विषय है इसी के ऊपर है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जब आप रत्न धारण करते हैं तो जो हमारे बॉडी के चक्र हैं, देखिए रेकी के अंदर चक्र को बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस दी गई है। ये वो चक्र हैं जो बॉडी के पंच तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, उसे बैलेंस करते हैं, डिसबैलेंस करते हैं। और जब हम रत्न पहनते हैं तो रत्न को सबसे पहले ये उस चक्र के साथ जुड़ता है, उस एनर्जी के साथ जुड़ता है। अब उस एनर्जी को ये देखिए, जैसे मैंने बताया है कि जो हमारे ऊपर यूनिवर्स से जो प्लैनेट्स की वेव्स, जो एक एनर्जी, और जो वो एनर्जी है वो बॉडी के साथ जुड़ी हुई है। देखिए सबसे पहले इस चीज को समझिएगा, जो ज्योतिष शास्त्र है उसके अंदर हमारे सर को ब्रह्मांड बोला गया है। जितनी पॉजिटिव जितनी नेगेटिव एनर्जी आएगी ये थ्रू ब्रह्मांड ही अंदर आएगी। एक ब्रह्मांड ये है, एक है यूनिवर्स। तो ये चक्र के साथ एनर्जी पास होती है बॉडी से, उसी चक्र के अंदर जब हम रत्न पहनते हैं तो जो अंगुलियां हैं वो उन चक्रों के साथ जुड़ी हुई हैं। अब वो चक्र जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी पास कर रहे हैं, क्योंकि ये घूमते हैं, इनकी एक अपनी स्पीड है। जैसे हम बोलते हैं प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति, ये क्या है, ये चक्र के साथ ही जुड़ी हुई है। अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत एक डीप साइंस है, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए, ये लोगों ने अभी मजाक बना के रख दिया है, अदरवाइज ये बहुत डीप साइंस है। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये वो रत्न है, जब वो अंगुलियों में डालते हैं धातु के साथ तो वो चक्र के साथ जुड़ती है और जो एनर्जी है वो हमें पॉजिटिव होके मिलना शुरू हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो हमें बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से बॉडी के अंदर काम करना शुरू कर देती है। और देखिएगा, जैसे आप किसी संत, किसी गुरु की शरण में जाते हैं, तो जब आप उनके पास जाते हैं, देखते हैं, तो उनके पास क्या है, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें बहुत अच्छा फील होता है, जहां हमें लगता है वाकई में इनकी शरण में आने से या इनके पास बैठने से हमें बहुत राहत, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। तो यही चीज है सारा, देखिए जो तारोमदार जुड़ा है एक दूसरे के साथ ही है। रतन भी नेचर की देन है। अब मेडिटेशन करते हैं वो भी आप एक देखिएगा, मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो भी चक्र को क्लीन करने के लिए किया जाता है। रेकी भी चक्र को क्लीन करती है। कोई भी आप किसी प्रकार का भी कोई भी मेथड उठा के देख लें, वो सारे के सारे बॉडी की जो चक्र है उनको क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं। ऊपर से तो बॉडी की सफाई हम कर ही रहे हैं, ये इंटरनल सफाई है। अब देखिए जो मेडिटेशन करते हैं, जब मेडिटेशन का कोई नया स्टूडेंट बैठता है तो क्या करता है, जब आप ही अपने आप को ले लीजिएगा, जब आप आंखें बंद करते हैं तो क्या बोलते हैं, अंधेरा है। आप क्या कुछ अंदर नजर तो नहीं ना आ रहा आपको, तो वो अंधेरा जो है, जैसे 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 आप उस मेडिटेशन, उस मंत्र का उच्चारण करते चले जाएंगे, वो आपका चक्र, जो अंदर की बॉडी का इंटरनल सिस्टम है, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी कि ये क्या है, कैसे है, लेकिन जो मेडिटेशन करते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चलते हैं, अगर आप उनके पास बैठेंगे तो वो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगे, आप हैरान हो जाएंगे।
तो दोस्तों यूनिवर्स नीचे एनर्जी फेंक रही है, वो हमारे ब्राह्मण से होकर हमारे चक्रों में जा रही है और चक्र हमारी बॉडी के साथ जुड़े हैं और बॉडी के साथ हमने रत्नों को जोड़ दिया है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वो रत्न काम करते हैं। अगर आप गलत रत्न डालते हैं तो वो चक्र रुक जाता है, या उस चक्र को उसकी एनर्जी नहीं मिलती और आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सिंपल चीज है, इस चीज को समझिएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप कोई किसी प्रकार का गलत रत्न ना धारण कर लें जिससे आपको प्रॉब्लम और परेशानी का सामना करना पड़ जाए। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन बहुत छोटी है, फायदे बहुत बड़े हैं। अब आपने करना क्या है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी का अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, 94.3 माई FM, रेड FM, रेडियो मिर्ची और ऐसे ढेरों टीवी चैनल्स के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो नीचे स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है इसके ऊपर आप कॉल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण, अपने परिवार के किसी मेंबर सदस्य का विश्लेषण मेरे से करवा सकते हैं। आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट दी जाएगी और आप बात करेंगे विच स्टोन विच टिप इज गुड फॉर यू और नॉट। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।